कि आप ख्वाब के अंदर अपने किसी मुर्दा भाई से मुलाकात करना चाहते हैं कि जो आपका अजीज, जो आपका प्यारा, जो आपका दोस्त, जो आपका भाई, बहन, माँ या बाप है, वो अगर दुनिया से अगर चले गए हैं और आप चाहते हैं कि उनसे आप गुफ्तगू करें, उनको ख्वाब में देखें या उनसे ख्वाब के अंदर कोई बात करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए ऐसा ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि जो अपने इंतकाल अगर कोई कर गया है उससे मुलाकात करने का, उससे बात करने का, उसको ख्वाब में देखने का, या इसके अलावा आपका कोई सवाल है जिसका हल नहीं हो पा रहा है, या आपको कुछ मालूम करना है कि जिस चीज़ का आपका इल्म नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें ख्वाब में जानने के लिए आज जो तावीज़ मैं पेश कर रहा हूँ, ये तावीज़ बहुत ही ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है। यानी इंशाअल्लाह अज़ीम इस तावीज़ के ज़रिए से ख्वाब के अंदर आपको आपके हर सवाल का 100% सही गारंटेड जवाब इंशाअल्लाह अज़ीम रब के फजल से, रब के करम से, अल्लाह के हुक्म से आपको मिल जाएगा। यह ऐसा बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है। और इसी के साथ में मैं आपको एक अमल भी बताऊंगा जो अमल आपने करना है, और इस तावीज़ का भी तरीक़ा मैं पूरा आपको बताऊंगा जिसका आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए बहरहाल तावीज़ में आपको लिखने का पूरा तरीक़ा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इस तरीके से जो खाने आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, बस आपने इस तरीके से जो है दोस्तों ये खाने बना लेने के हैं। मैं पूरा तरीक़ा प्रैक्टिकल करके जो है आपको बताता हूँ ताकि आप आसानी के साथ समझ लें। फिर ये खाना आपने बनाना है, फिर उसके बाद में उसके नीचे की लाइन जो है आपने बना लेने की है। मैं थोड़ा जल्दी करके भी आपको बता रहा हूँ, अगर थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाए तो आप जो है सही तरीके से आप जो है इन लाइनों को जो है बनाइएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब इस तरीके से पूरा डब्बा आप बना लें तो बनाने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर की जानब जो है 786 लिखने का है। यहाँ पर आपने पहले खाने में अलिफ़ लिखना है, फिर यहाँ दूसरे खाने में लाम, फिर यहाँ पर आपने तीसरे खाने में मीम, फिर उसके बाद में जो है ये चौथे खाने में जो है स्वाद, फिर यहाँ पर आपने जो है पांचवें खाने में लाम, फिर यहाँ पर जो है छठे खाने में मीम, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपने सातवें खाने में स्वाद, फिर यहाँ पर जो है आपने आठवें खाने में जो है लाम अलिफ बनाना है, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर नवे खाने में जो है मीम, और फिर यहाँ दसवें खाने में जो है स्वाद, ग्यारहवें खाने में फिर आपने अलिफ लिखना है, और फिर उसके बाद में जो है बारहवें खाने में आपने लाम, और फिर उसके बाद में जो है तेरहवें खाने के अंदर जो है आपने स्वाद, फिर उसके बाद में जो है चौदहवें खाने के अंदर आपने फिर अलिफ बनाना है, फिर उसके बाद में जो है पंद्रहवें खाने में आपने जो है लाम लिखना है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर सोलहवें खाने में आपने मीम लिखना। बस इस तरीके से दोस्तों ये तावीज़ आपने मुकम्मल लिख लेने का, बस एक ही तावीज़ आपने लिखना है। याद रहे कि तावीज़ लिखने से पहले बावजू होना ज़रूरी है, जिसमें लिबास का पाक व साफ होना ज़रूरी है, आपके कपड़ों को अच्छी खुशबू जो है लगी होनी ज़रूरी है। अब अमल का तरीक़ा आप समाप्त फरमा लीजिएगा। इशा की नमाज के बाद जब भी आपका जो भी मकसद हो, आपको अपने किसी मुर्दा भाई से मुलाकात करनी है या आप अपने किसी सवाल का जवाब आपको मालूम करना है, बस वो सवाल या वो मुलाकात के लिए सिर्फ आपने तसव्वुर करना है, दो रकात नफल नमाज आपने इशा की नमाज के बाद सोने से पहले अदा करनी है। उसकी तरतीब ये रहेगी कि आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह वश्शम्स जो 30वें पारे के अंदर मौजूद है वो सूरत पढ़नी है। इसके अलावा जो है आपने दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह वल्लैल आपने पढ़नी है। पढ़ करके जो है इस तरीके से आप नमाज मुकम्मल कर लीजिएगा जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद जो है जो आपने ये तावीज़ लिखना है, ये तावीज़ लिख कर फिर आप अपना तसव्वुर करते हुए, कोई सवाल का जवाब चाहते हैं उसका तसव्वुर करते हुए, या किसी से मुलाकात चाहते हैं तो उसका तसव्वुर करते हुए, ये तावीज़ आपने अपने सर के नीचे रखने का है, और सर के नीचे रख कर के जो है वो तसव्वुर करते हुए आप सो जाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो उसी रात में जो है आपकी मुलाकात, जिससे आपने इरादा किया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी, उसको आप ख्वाब में देख लेंगे। या इसके अलावा जो है आप अगर कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जो है आपको उसी रात के अंदर बफ़ज़्ल खुदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
मिल जाएगा। बेहतरीन खास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है। किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए या अपने किसी भी मुर्दा भाई से मुलाकात यानी कि उसको देखने के लिए ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।